पूरी मेहनत तो बेकार चली गई अभी। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं नोट शेयर करूंगा आप लोग सब। मैंने नोट्स में कई चीज बोल रहा था बीच बीच में। देखो ठीक है, कोई बात अभी क्या करें, अभी तो मतलब वापस थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं। वैसे भी कीर्ति डाउट पूछे, दो तीन लोग पूछे, बाकी तो कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई और होमवर्क था क्या? हाँ पार्ट टू, पार्ट टू, हाँ पार्ट टू के अलावा कोई और होमवर्क था? ट्रिग्नोमेट्री हाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होमवर्क था? जो इमेजेस भेजे थे फर्स्ट 20 क्वेश्चन। फर्स्ट 20 वाले, उसमें तो डिस्कस किए थे मैं 4-5 तो उस दिन। हाँ सर। सर चलो एपी, पूछो। सर और एपी के क्वेश्चंस दिए थे ना, एक्सरसाइज 4A। ऑनलाइन नाइट। अच्छा एपी शुरू कर दिया है क्या आपका? हाँ सर। सर एपी शुरू हुआ। हाँ सर। अच्छा अपनी वीक की पहली क्लास है ना ये? मंडे को हुआ था नाइट मंडे को क्लास। हुआ था सर एक। अच्छा, मैं भूल गया। ठीक है तो ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। हाँ क्या हुआ? हाँ तो ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ चलो बोलो एग्जाम्पल 20 बोलो। एग्जाम्पल 20 A+B+C वाला बोलो। ये पार्ट 2 अब हम बाद में करेंगे। हाँ अपनी क्लास है ना, कल नहीं है, कल भी है, कल कल है। तो कल करेंगे। एग्जाम्पल 20 बोलो। आप ट्रिग्नोमेट्री का हाँ, sin 2A+sin 2B वाला। 11 कौन सा? 11 11th। सर 20 के आगे पूछा तो भी चलेगा। 20 के आगे अभी आज नहीं करूंगा, 20 के आगे मैं दूंगा लोगों को करने को पूरा, 20-35 तब करेंगे, अभी बस 20 तक ही करना था ना। ठीक है 11th। एक मिनट यार, इलेवेंथ sin²A/2 प्लस sin²B/2 माइनस sin²C/2 sin²C/2 इज इक्वल्स टू 1 - 2 cos A/2 cos B/2 sin C/2। ठीक है, तो इसको वापस से वैसे ही करेंगे हाइयर एंगल्स में चेंज करके। कैसे चेंज होगा ये? sin²A/2 प्लस sin²B/2 वही वाला करेंगे अपन। और क्या sin²A/2 क्या होता है? 1 - cos A/2 1 - cos B/2 माइनस 1 - cos C/2। ठीक है,
तो हाफ हाफ और हाफ कट जाएगा, तो ये हाफ आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पर, हमारा एक हाफ बच जाएगा, ठीक है, हमारा कितना आ रहा है हाँ हाफ, और यहां पर से भी एक हाफ अगर बाहर निकाल लू मैं तमीज से, तो वन माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अभी किस पे काम करना है हम लोगों को, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी पे काम करना है, ठीक है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी कैसे करेंगे वापस से, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस सी, यहां तक क्लियर है? अभी ए प्लस बी ए ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा, गुड, आगे बोलो सर। 17 सर, 15 सर, 14 हाँ, कौन सा 14 सर, 14 हाँ 14 तो दिन क्लास में किया था ना, हाँ ग्रुप पे भेजा है किसने, सॉल्व मैंने किया भी था उस दिन, देखो ना tan a, मैं फिर से कर दूंगा कोई बात नहीं, tan a प्लस b प्लस c क्या होगा बताओ, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बाई वन माइनस tan a tan b tan b tan c माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, है ना? अब इस केस में a प्लस b प्लस c कितना है, जीरो है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, ट्वेल्थ वाला है ना, फोर्टीन वाला है, अरे मैंने 11, 12, 13, 14 सारा क्लास में किया ही था, एक तो आप लोग मुझे कोई वीडियो देखता नहीं है, ठीक है, तो हो गया ना tan b प्लस tan c प्लस tan c कितना आ गया, tan a tan b tan c, अभी tan a tan b tan c से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 by tan b tan c प्लस tan c tan a प्लस tan b tan a इक्वल टू 1 विच इज व्हाट, cot b cot c समेशन इज इक्वल टू 1, और कौन सा करना है बोलो, 15th वाला उस दिन मैंने बताया था ना, आई डोंट नो, पता नहीं तुम्हारे बैच में बताया था कि किसी और बैच में बताया था, तुम्हारे बैच में बताया था क्या 15th वाला, सर कोई AB1 करके आया है अननोन पर्सन, क्या कर लेगा वो, मैंने चैट ब्लॉक कर रखा है, अनोटेशन ब्लॉक नहीं किया है, रुक जाओ, अरे यार हाउ डू आई अनोटेशन, रुकते कैसे हैं, हेलो ये भी कर दिया, अब क्या कर लेगा, ना तो अनोटेशन कर सकता है ना तो चैट कर सकता है, तो फिर पढ़ने दो उसको, उसकी इच्छा, पढ़ने दो, पढ़ो भाई पढ़ो, अच्छा है, साइन बी प्लस टू सी प्लस साइन सी प्लस टू ए प्लस साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, सर ये सम आपने AC1 में सिखाया था, अच्छा कोई बात नहीं, साइन सी माइनस ए बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, तो अब देखो क्या है ना, जब जब भी तीन एंगल्स आएंगे ना, तीन एंगल्स, तो वी नीड टू गेट रीड ऑफ वन ऑफ द एंगल्स,
तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी कितना है 180 है ना, तो मैं b प्लस सी को गायब कर देता हूं, b प्लस सी को मैं लिख दे रहा हूं पाई b प्लस सी प्लस सी, तो b प्लस सी क्या हो जाएगा पाई माइनस a प्लस सी, ये चमकता है, प्लस साइन c प्लस a को लिख दूंगा पाई माइनस b प्लस a प्लस साइन a प्लस b पाई माइनस b प्लस पाई माइनस c प्लस सी, इतना क्लियर है? Yes. तो अब ये क्या लिखा है बताओ, पाई माइनस a माइनस c, क्या हुआ पाई माइनस c प्लस b, हाँ सॉरी पाई माइनस b माइनस a प्लस साइन पाई माइनस c माइनस b, तो मेरे पास क्या बन गया साइन a माइनस c प्लस साइन b माइनस a प्लस साइन c माइनस b, ठीक है? अब वापस से वही प्रोसेस, टू साइन क्या होगा a माइनस c प्लस b माइनस a बाई टू, और कॉस तुम्हारा कितना आ जाएगा a माइनस c माइनस b, साइन c माइनस b, इतना क्लियर है? हमारा क्या हो जाएगा a कट जाएगा ना, तो क्या लिखा है साइन b माइनस c बाई टू, और इधर को 2a माइनस c माइनस b बाई टू प्लस साइन c माइनस b, अभी कैसे बाहर निकालें बताओ सर, साइन c माइनस b को 2 साइन c माइनस, हाँ इसको पहले लिखो माइनस साइन b माइनस c, ठीक है, और अब उसको लिख दो माइनस टू साइन बी माइनस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अब बाहर आ गया ना, क्या बाहर आ गया बी माइनस सी बाई टू बाहर आ गया, क्या लिखा है बताओ यहाँ पे कॉस ऑफ टू ए माइनस सी माइनस बी बाई टू है ना, और यहाँ पे माइनस कॉस हेलो बी माइनस सी बाई टू, क्या इसके बाद जिसका भी डाउट, जिसका भी डाउट था इसके आगे सॉल्व कर लोगे? हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट बोलो, कॉपी कर लो, कॉपी कर थोड़ा थोड़ा, एक एक स्टेप कॉपी कर लिया करो एटलीस्ट, ताकि आप फिर नोट्स में नहीं करोगे, जब मैं डिस्कस करता हूँ ना तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन नंबर एक लाइन तो कॉपी करिए, जब तक मैं 10 लाइन लिखता हूँ उसमें आप 2 लाइन तो लिख सकते हो ना, ताकि जब मैं आपको वापस से भेजूंगा तो आप उसमें फिलअप कर लिया करो, कौन सा करना है बताओ सर? 17 17 cos a by 2 वापस से cos b by 2 माइनस cos c by 2, ठीक है, अपन को करना वही है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसको कंबाइन करेंगे अपन, देखो cos a by 2 प्लस cos b by 2 कितना होता है बोलो 2 cos a प्लस b by 4 cos a माइनस b by 4 माइनस कॉस सी बाई टू, इतना क्लियर है? अभी ए प्लस बी को लिख दोगे तुम क्या पाई माइनस सी बाई फोर, और ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई फोर, बोलो इतना क्लियर है? नाउ द थिंग इज यार अब क्या करें, ये बाहर कैसे निकालें, अब क्या करूं सर, cos c by 2 को sin i minus c by, बढ़िया गुड, a minus b by 4 और इसको लिखा minus sin pi by 2 minus c by 2, लिख सकते हैं ना दोस्त, और इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं 2 sin pi by 4 pi minus c by 4 into cos pi minus c by 4, अरे बोलो भाई है ना, और यहां क्या आ गया 2 cos pi minus c by 4 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई फोर, बताओ है ना, तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जिसका डाउट, जिसका डाउट था वो बोलो ना कि हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर, अरे कैसे, अबे रुको 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 रुको,
अभी कैसे होगा, अभी कैसे होगा? तुम्हारे पास कॉस माइनस साइन का फॉर्मूला थोड़ी ना मालूम है तुमको। सर बताओ कैसे करें। हाँ ए माइनस किसी को रिप्लेस कर देंगे। हाँ पाई माइनस नहीं, फिर भी तो साइन का ही बनेगा ना, क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कर सकते हैं। अच्छा मैं पाई बताऊं। हाँ बोलो। देखो मैं क्या, सुनो सुनो, मैं देखो 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 मैं क्या कर रहा हूँ। पाई माइनस सी को ए प्लस बी लिख सकते हैं। हाँ ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब सर पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी। हाँ माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस ए प्लस, आपको ये समझना पड़ेगा कि अरे अच्छा हाँ संस्कार तुमको यही नहीं मालूम है ग्रुप का लिंक क्या है, रोज पढ़ने आते हो। नहीं सर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा था। अरे डीपी दो महीने से डीपी रखी हुई है इसीलिए। नहीं नहीं सर वो ज्वाइन में जब आते ना तो दो दो नाम थे ना आपके उसमें, तो कंफ्यूज हो गया मैं। दो नाम थे सर पहले, आप बहुत पहले एक लिंक भेजे थे ना। अच्छा 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 डीपी रखा है ना इसलिए डीपी डीपी डीपी। चलो अभी जिसका भी डाउट था कर लोगे इसके आगे। यस सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट बोलो। नहीं है और डाउट। कौन सा नहीं है और डाउट? ठीक है चलो इसी में मैं तुमको एक और क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है एक चीज देखो ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला सिखाता हूं टेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस वगैरह वगैरह का। ठीक है तो देखो फॉर्मूला क्या होता है ना, आप ध्यान देना। टेन ए प्लस बी क्या होता है बताओ, सबको आता है नहीं आता है अभी भी? टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, मानते हैं सभी लोग? अच्छा टेन ए प्लस बी प्लस सी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी बाई वन माइनस टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। हाँ तो अब ध्यान से देखो कुछ चीजें डिफाइंड होती हैं। ठीक है अभी इसको मैं लिख रहा हूं एस वन माइनस वन माइनस एस टू, ध्यान देना। इसको लिख रहा हूं एस वन माइनस एस थ्री बाई वन माइनस एस टू। ठीक है तो क्या है ये एस वन का मतलब क्या होगा, देखो सम ऑफ ऑल टेंस टेकन वंस, ध्यान देना। एस टू का मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ taken of tens taken twice। S3 का मतलब क्या होगा, sum of all products, जैसे आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ते हो ना अल्फा बीटा गामा अल्फा, वही चीज है यहाँ पे। ये बात समझ में आती है? तो अगर मान लो मुझे बताओ टेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देखो क्या हो रहा है पैटर्न, देखो क्या है टेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, ध्यान देना। ऊपर में सारे ऑड वाले चलेंगे तो चार एंगल्स है ना यहाँ पे, ए है बी है सी है डी है। ठीक है तो कितने की, तो क्या क्या इसमें इस चार एंगल के सिस्टम में ए बी सी डी के सिस्टम में क्या क्या एग्जिस्ट करेगा बताओ? एस वन करेगा ना, S1 मतलब एक बार जो लिया हुआ tan। हाँ tan a प्लस tan b ऐसा वाला। S2 का मतलब क्या होगा, tan a tan b दो दो बार। S2 में sum of all के बाद sum of all products दिख नहीं रहा है क्या? हैंडराइटिंग नहीं समझी। अच्छा सॉरी
सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एस थ्री में क्या होगा, तुम लोग इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेट करो ना, उसमें करते थे हम लिखे होते अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, याद आ रहा है? यस सर। तो एस थ्री क्या होगा बताओ? ट्रिपल जो लिया हुआ, जितना पॉसिबल ट्रिपल वाले तो किया है ना हमने कई बार, तो है ना। एस फोर क्या होगा? चारों का जो प्रोडक्ट। सर आपने वो एस थ्री के इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट स्टॉक टैन टेकन प्राइस, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सर एस थ्री के इसमें, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। मैंने S3 में ही चेंज किया है, मैंने S3 में ही चेंज, अच्छा ऊपर नीचे हो गया, पेज हिल गया, सॉरी। ओके, अरे यार पेज ऊपर नीचे हिल गया, ठीक है। वो सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स समझे क्या? ठीक है, चार वाले में क्या आएगा फॉर्मूला देखो, S1 माइनस S3, अगर S5 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। नीचे में क्या आएगा, 1 माइनस S2 प्लस S4, S6 कर रहा है क्या? नहीं, नहीं कर रहा। तो अगर ये आपको मैं दे दूं n एंगल्स तक, tan A1 A2 A3 AN तक, तो क्या होगा बताओ? S1 माइनस S3 प्लस S5 चलते रहेगा और नीचे में 1 माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स ये भी चलते रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? नीचे में एक बार माइनस होगा, फिर एक बार प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ऊपर में भी वैसे ही है, ऊपर में भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, ऊपर में भी प्लस माइनस अल्टरनेट है, नीचे में भी प्लस माइनस अल्टरनेट है। सर मतलब एस फाइव के बाद माइनस आएगा ना? हाँ एस, हाँ ऑब्वियसली अल्टरनेट प्लस माइनस है, अल्टरनेट प्लस माइनस है। सर मुझे नहीं समझा, एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। अरे ठीक है, मेरी आवाज खराब आ रही है क्या? लोग कह, लोग दो तीन लोग कह रहे हैं चैट में आवाज खर खर कर रही है। नहीं सर आवाज ठीक है सर, थोड़ा सा पहले कर रही थी, अब नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, टाइम केस हो रहा है क्या? ठीक है, नहीं समझा? नहीं समझा सर। ठीक है वापस बताता हूँ, ठीक है। अब तुम ये देखो सर, लिख रहे क्या बोलो? लिख रही थी मैं सर, मैं भी लिख रही थी। हाँ तो उसका पेज छोड़ दो, मिल जाएगा ना फिर। अभी मैं वापस लिखने वाला नहीं, समझा उसको वापस समझा रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, ठीक है। पहले समझो, पहले तुम ये रिलेट करो। अच्छा ये बताओ सुनो, क्या नाम है इसका, प्रीति? अगर मान लो फोर वेरिएबल इक्वेशन होता है, ए एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, है ना? तो इसके कितने रूट्स होते हैं बताओ? तो चार रूट होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो बताओ क्या क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होता है कुछ, है ना? हाँ, माइनस बी बाई ए। और क्या होता है? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बी, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, जो भी रहेगा, है ना? तो और क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, हाँ समझ में आ रहा है। कितना होता है इसका वैल्यू? D by A, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना होता है? ये चमकता है। हाँ, इस सेम चीज को टैन में ले जा, टैन ए वन प्लस ए टू अप टिल ए एन, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होगा? एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन, और नीचे में होगा वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी S1 क्या होगा? tan A1 plus tan A2, इसको रिलेट करो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से तो समझोगे। S2 कितना होगा बताओ? दो दो का पैर, दो दो का पैर। तो अभी दो दो के पैर को ऐसे लिख दूं, समझ में आता है ना अभी? तो S3 हाँ, क्या होगा बताओ? तीन तीन वाला। तो ऐसे लिख दूं? हाँ। अब तो समेशन सिंबल समझ में आता है ना थोड़ा बहुत, तो है ना? हाँ सर। S फोर क्या होगा बोलो? चार वाला। चमका? हाँ। अरे बहुत जल्दी रिक्शा खत्म हो गया, एक मिनट रुक जाओ।
लास्ट टाइम तो बहुत भी, एक मिनट होल्ड करना। हाँ तो चार में क्या आएगा, टेन ए टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी, चार चार का सम। अभी क्लियर है क्या? हाँ सर। सर तो न्यूमरेटर में ऑड नंबर वाला आएगा, एस वन एस थ्री वाला। हाँ, और डिनोमिनेटर में इवन वाला। इवन वाला देखो ना, तो देखो ना इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला जो याद करने में दिक्कत हो रही होगी बहुत लोगों, क्या होगा बताओ, एस वन माइनस एस थ्री बाई वन माइनस एस टू, है ना। और तीन के सिस्टम में एस वन क्या होगा, तीन के सिस्टम में एस वन क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, है ना। और एस थ्री क्या होगा, टेन ए टेन बी टेन सी, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म आएगा ना, तीन ही एंगल्स हैं तो। और एस टू में कितने टर्म्स आएंगे यहाँ पे, दो एस्टिमेट नहीं, दो दो का आएगा लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तीन, टेन ए टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। अभी सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। यस यस सर। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस। चलो ठीक है, तो इसका एक से 19 हो गया। ठीक है, कल के लिए इसमें से मैं चार क्वेश्चन दे रहा हूँ, 20, 21, 22, 23। वैसे मुझे पता नहीं यार, किसी ने 18th डाउट नहीं पूछा, अजीब लग रहा है मुझे, ये सब लोग तेज थोड़ी हो सकते हैं, नॉट राइट, पूछना चाहिए। चलो मैं कल के लिए चार ही क्वेश्चन दे दूंगा, इसमें से 20 से 5 दे देता हूँ, 20 से 25। ठीक है, एनीवेज इतना हो गया, 18 डाउट है क्या? अब डाउट आ गया बोलने के बाद, कल पूछो वापस से। देखो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी एसएलओनी में सॉल्व है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी आएगा, और साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी जो नीचे में दिया हुआ है वो फोर्थ क्वेश्चन है, 4 कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2 आएगा। ठीक है, रिप्लेस कर दो, वैल्यूज कट जाएंगी। जो तुमने 18th वाला क्वेश्चन पूछा अभी मेरे से, तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी बाई नीचे में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, है ना।
इसका आप प्रूफ करो, इसकी वैल्यू आएगी 4 साइन ए साइन बी साइन सी आएगी वैल्यू, आप सॉल्व करना। और नीचे वाले की वैल्यू आएगी 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। ये दोनों क्वेश्चन, ये तो एग्जाम इसी एग्जाम्पल का फोर्थ क्वेश्चन है और ऊपर वाला और इसी एसएलओनी का सॉल्व क्वेश्चन है फोर्थ फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों को डिवाइड कर दोगे और साइन ए को चेंज कर दो, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। जिसका भी डाउट है आई थिंक 10% तो समझ में आ गया होगा ना क्या किया मैंने। यस सर। ठीक है, पहले क्यों नहीं पूछा बताओगे? सर पूरे लेक्चर में मेरा वाईफाई प्रॉब्लमेटिक है, मुझे उसे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, कौन बोल रहा है? सुनाई दिया सर, मानस। अरे ठीक है सर, कल का होमवर्क 20-25 है। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना हुआ अभी फिलहाल। ठीक है, और किस चीज में होमवर्क था? हॉल एंड नाइट था। हॉल एंड नाइट था, उसमें क्या था बताओ? एपी का दिया था। फोर ए दिया था उसमें। ठीक है, फोर ए दिया था। मैं एपी में, एपी में कुछ क्वेश्चन किए हैं क्या हमने? नहीं सर, क्लास में नहीं किए। ठीक है, मैं थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं पहले अपन। ठीक है, मैं बोर्ड पे क्या ही चेंज करूंगा, अभी मैं इसी पे पढ़ा देता हूँ फिर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, इफ सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, फाइंड द नंबर्स। कैसे करेंगे बताओ? सॉल्व कर लो कि मैं करूं? नहीं सर, कर लेंगे। कैसे करते हैं बताओ? सर 3 नंबर्स लेंगे, a माइनस d, a a प्लस और a प्लस। हाँ सॉल्व करो, अब इसके आगे खुद से सॉल्व करो। सर 4914 आता है। यस सर। तो जब एक का आंसर आ गया फिर मैं सॉल्व कर दिया करूंगा हमेशा। ये 27 आ गया, एक का वैल्यू 9 आ गया। अभी 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का स्क्वायर कितना होगा? दिया हुआ है ना 293 है ना, तो उसका ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक कितनी आ रही, सॉल्व कर लो एक क्वाड्रेटिक को। इस क्वाड्रेटिक मींस है लेकिन इजी है। हां ऑब्वियसली, वो मतलब बस मिडिल टर्म तो कट गया ना उसका। हां सर, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। सर ओवर राइट। हाँ बेटा ध्यान नहीं दिया मैंने। सम ऑफ
in terms of two arithmetic series are in ratio of 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the sum of, find the ratio of 11th term. Find the ratio of 11th term. Prove that sum of first n odd numbers is n square. Fourth, fourth is SN of AP is 2N plus 3N square. Find TN. पहले ये सिंपल से तीन क्वेश्चन सॉल्व करें सब लोग. सर पहले का आंसर 74/57. नहीं 148/111. सर 4/3. 4/3 सही है. पहले का आंसर 4/3 सही है. दूसरे का आंसर जो भी है ठीक है. कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखिए सब लोग ध्यान से. कुछ करना नहीं था, बहुत सिंपल था. क्या दिया था? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज. ठीक है,
तो अर्थमेटिक सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस, ये पहली सीरीज है और ये दूसरी सीरीज है, ठीक है, दोनों के एन टर्म्स का सम का रेशियो, दोनों के एन टर्म्स का सम का रेशियो क्या होगा बताओ, एन बाई टू, दोनों का एन टर्म, दोनों का सम क्या होगा, एन बाई टू, टू ए वन प्लस, हेलो, एन माइनस वन, माइनस वन इन टू डी, तो दोनों के सम का रेशियो क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन बाई, ध्यान देना, एन बाई टू इंटू टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू, इतना क्लियर है? हाँ सर। ये रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, सेवन एन प्लस वन बाई 4n plus 27, ये क्लियर है, n by 2, n by 2 कट गया, क्या बचा आपके पास, 2a1 plus n minus 1 into d1 by 2a2 plus n minus 1 into d2, इसकी वैल्यू 7n plus 1 by 4n plus 27 है, agreed? हाँ। यहां तक सबको क्लियर है? अभी क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है ये बताओ, दोनों के इलेवेंथ टर्म का रेशियो, तो इलेवेंथ टर्म का रेशियो होगा क्या, बाय द वे ए वन प्लस टेन डी, ए वन प्लस टेन डी वन और ए टू प्लस टेन डी टू, हम लोग को यही निकालना है ना, यस सर, ए वन प्लस टेन डी वन बाई ए टू प्लस टेन डी टू, अपन को यही निकालने का है कि नहीं है, ठीक है, तो यहां पर जो चीज कर रखी है, यहां पर n की वैल्यू क्या रिप्लेस करोगे कि ए वन प्लस टेन डी वन और ए टू प्लस टेन डी वन बन जाएगा, n को और 10 करोगे तो नहीं होगा ना, 21 करेंगे, अगर इसमें n को 21 रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा डाल के, कॉपी पेन पर डाल के देखो क्या होगा, 21 माइनस 1 कितना होता है बे, 20 होता है ना, 20 होता है, 20 होता है, तो ऊपर से 2, ऊपर और नीचे से 2 2 कट जाएगा ना, हां सर, तो कितना आ जाएगा, a1 plus 10d1 और a2 plus 10d2, सो आपका आंसर कैसे आएगा, n को 21 रिप्लेस करने से आ जाएगा ना, तो आप अगर इसमें n को 21 रिप्लेस करोगे तो क्या आ जा रहा है बताओ, a1 plus 10d1 by a2 plus 10d2 is equals to कितना, 7 into 21 plus 1 by 4 into 21 plus 27, बोलो क्लियर है, यस सर, हाँ सर, बाकी लोग क्लियर है, वेदांति, दीपिका, यस सर, यस सर, अन्वेषा, यस सर, सब लोग क्लियर है, तुम लोगों को क्या किया, ठीक है, अभी चलो थर्ड क्वेश्चन, सर फोर्थ का आंसर 5 प्लस एन माइनस 1 इनटू 6 है, सर वापस समझा सकते हो, कौन सा, सर ये पहला वाला सवाल, पहला वाला, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, SN समझाने के लिए तो बोर्ड ही सही रहता है यार, मेरा फोन कितना चार्ज है, ये से लुक तो फोन डिस्चार्ज हो गया फ्रेंड, ठीक है, व्हाट कैन आई डू, लाइट का पूरा चार्ज है, मैं इसको ऊपर दो मिनट में सोचने दो, कुछ दिमाग लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, कर सकते हैं ना अपन, ठीक है, मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, मैं तुमको दिख रहा है, देखो मैंने क्या किया है, Sn by Sn prime, ठीक है, nth टर्म का सम कितना होता है, nth टर्म का सम कितना होता है बताओ, by 2 into 2a plus n minus 1 into d, हाँ, तो वही दोनों का लिखा है मैंने यहाँ पर, ध्यान दो, वही लिखा है ना, तो क्या आ गया मेरे पास, n by 2 कट गया, तो मेरे को क्या बना है, 2a1 plus n minus 1 d1,
और 2a2 plus n minus 1d2, यहां तक क्लियर है? Is equals to क्या, equals to question में क्या दिया हुआ है? 7n plus 1 by 4n plus 27? Yes sir. हम लोगों को क्या निकालना है? a1 plus 10d1 और a2 plus a1 plus 10d1 और a2 plus 10d2. 10d2, तो जो इक्वेशन तुम्हारे सामने यहाँ पे बॉक्स कर रखा है मैंने, इसमें n का क्या वैल्यू डालोगे कि a1 plus 10d1 और a2 plus 10d2 बन जाएगा? 11. 11 डालोगे तो कैसे बनेगा? 11 डालोगे तो क्या बन जाएगा? 2a1 plus 10d1 बन जाएगा ना. अगर n का वैल्यू 11 डालोगे तो 2a1 plus 10d1 और नीचे में 2a2 plus 10d2, तो 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? a plus 5d1 और a plus 5d2 बच जाएगा ना. हाँ सर, समझे? 21 डालेंगे. इतना क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. ये क्वेश्चंस तो आप दोनों क्वेश्चंस कॉपी कर लो. एनीवेज, थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स. ये तो बहुत सिंपल है ना. हाँ सर. 1, 3, 5 इसका सम निकालना है n टर्म्स तक का, एपी में, है ना. एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 into 2a plus n minus 1. एपी के सम का फॉर्मूला मालूम है ना आप उनको, क्या होता है? n by 2 into 2 into 1 plus n minus 1 into 2, है ना. तो कितना आ जाएगा बताओ? n by 2 into 2n, तो 2 और 2 कट गया, कितना आ गया वैल्यू? n square. क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? 10 में सब लोग एपी करके आए ना, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ. yes, yes, sn of ap, मतलब ap के nth टर्म का तक का सम दिया हुआ है, तो tn क्या होगा बताओ? तो 6n minus tn होता क्या है? हमेशा sn minus sn minus 1. अच्छा ये बताओ, sn का वैल्यू 2n plus 3n स्क्वायर है, क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब है कि वो जो फॉर्मूला है ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नहीं 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 नहीं, sn का वैल्यू 2n plus 3n स्क्वायर है, क्या मतलब क्या है इसका? कि ap के n टर्म्स का सम हर n के लिए वो होल्ड करेगा. अरे वो बहुत टफ, सिंपल नहीं बोलते हो तुम लोग. सिंपल सा मतलब क्या है कि सर, जहां तक सर n की वैल्यू जो डालेंगे वहां तक सम दे देगा, उस वहां तक टर्म्स का सम दे देगा. हां, sn का मतलब क्या होता है? a1 plus a2 plus a3, sn का मतलब क्या होता है? लेट मी कम टू sn. व्हाट इज sn? अगर sn का वैल्यू क्या दिया था? 2n plus 3n स्क्वायर, है ना. तो S5 का मतलब क्या होगा बताओ? तो S5 का वैल्यू कितना आएगा बता दो फटाक से. 10 और 75 85 आ रहा है S5 मेरे ख्याल से. तो S5 का मतलब क्या हुआ है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज S5? A1 plus A2 plus A3 plus A5. क्या ये बात सबको समझ में आती है? S6 का मतलब क्या? S6 का वैल्यू कितना होगा, क्या मतलब होगा? 12 plus 36 दिया 108, 120. हम बताओ S6 का मतलब क्या होगा? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6. ये बात चमकती है? Yes sir. ठीक है. अच्छा S2n का वैल्यू कितना होगा, और मतलब S2n का वैल्यू कितना होगा, और S2n का मतलब क्या होगा? 4n plus 6n. वैल्यू विल बी 4n plus 12n square. और उसका मतलब क्या होगा? 12. S2n का मतलब क्या होगा? n की जगह पे 2n डाल. हाँ वो समझा, मतलब क्या होगा? AP के कितने टर्म का सम निकालना होगा? सर अभी नंबर ऑफ टर्म्स का डबल हो जाएगा. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 2n हो गए, है ना. तो tn जो होता है हमेशा क्या होता है? sn minus sn minus 1 होता है. ये बात समझ में आती है? यस सर. आपका एस एन क्या होगा? ए वन से लेके ए एन होगा ना बे.
और एस एन माइनस वन हाउ मच एस एन माइनस वन विल हैव क्या होगा एस एन माइनस वन का ए एन माइनस वन दोनों को माइनस करोगे तो ए एन आ जाएगा ना तुम्हारा हमेशा yes, आपका एस एन कितना है टू इंटू आपका एस एन दिया है ना ऊपर में कितना है टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर है और एस एन माइनस वन कितना होगा टू इंटू एन माइनस वन प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर अरे ये बात चमकती है क्या तो कितना आ गया टू प्लस थ्री इंटू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन स्क्वायर तो टू एन माइनस वन हाउ मच सिक्स एन माइनस वन आ रहा है मेरा आंसर यस सर आंसर तो सबका आ ही गया होगा मोस्ट प्रोबेबली सबको मतलब समझ में आया क्या कि किसी भी सीरीज में एपी की बात नहीं है किसी भी सीरीज में टीएन का मतलब क्या होता है हमेशा एसएन माइनस माइनस एसएन माइनस ये बात समझ में आती है यस सर अच्छा मैं एक और चीज लिख रहा हूँ बताओ सही लिखा गलत लिखा ए वन इज इक्वल टू एस वन गलत है सही है सही हो सकता है सर हो सकता है कि होगा ही बे होगा ही सर होगा ही ना हाँ सर ए वन क्या है फर्स्ट टर्म अबे ए वन क्या है बे फर्स्ट टर्म और एस वन क्या है फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म का सम ये बात समझ में आई क्या यस सर यस सर मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं तुम लोग बताना कि सही लिखा है सर कि आपने गलत लिख दिया ठीक है इफ लेट ए वन ए टू ए एन बी इन ए पी देन पहला चीज ए वन प्लस के ए टू प्लस के भी ए पी में है B, A1 वन माइनस के ए टू माइनस के भी ए पी में है सोचते चलो भाई सोचते चलो K इंटू ए वन के इंटू ए टू भी ए पी में है D किसी एपी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एपी में रहते हैं आप बताओ आप बताओ सही लिखा है गलत लिखा है बताओ सही लिखा है सर सर सही है फर्स्ट वाले तो सही है सही है ना तो फर्स्ट वाले सीरीज अगर फर्स्ट वाला एपी में है तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है अगर ऊपर वाले का कॉमन डिफरेंस डी है ध्यान रखना ऊपर वाले का कॉमन डिफरेंस डी है अब बताओ नीचे तो ए वाले का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा डी आएगा दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस डी आएगा तीसरे वाले का कॉमन डिफरेंस के डी चौथे वाले का कॉमन डिफरेंस D by K. अरे समझ में आया क्या मैंने क्या किया देखो ना अगर A1, A2, A3 तो obvious है ना अगर ये AP में है तो obvious ही बात है ना बे KA1, KA2, KA3 ये भी तो AP में रहेगा ना कैसे KA2 minus KA1 कितना होगा KD होगा के ए थ्री माइनस के ए टू कितना होगा के डी होगा हो गया ना एपी में सर सब लोगों को क्लियर है क्या अच्छे से सर यस सर एक क्वेश्चन दे रहा हूं ठीक है इफ ए बी सी इन एपी प्रूव दैट वन बाई बी सी
वन बाई ए सी वन बाई ए बी इन एपी। सोच के करो, कोई मुझे हड़बड़ी नहीं है, कोई बिल्कुल कॉमन सेंस से लगा के करो, देखो बन जाएगा। सर एबीसी से डिवाइड कर देंगे। हाँ क्या गिवेन है, ए बी सी एपी में है। अगर ए बी सी एपी में है तो आप अगर उसको इफ वी डिवाइड बाई ए बी सी देन ऑल्सो इट रिमेन्स इन एपी, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, ए बाई ए बी सी, बी बाई ए बी सी, सी बाई ए बी सी इन एपी। ये क्लियर है, दैट इंप्लाइज हो गया ना प्रूफ। सबको क्लियर है क्या? यस सर। इसको ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ, एक और मेथड से करते हैं। मान लो कभी स्ट्राइक नहीं करे, एबीसी से डिवाइड करना, तो क्या करेंगे? लाल तो कॉपी कर लो उसको, माइनस बी करके निकाल। हाँ सर, कॉमन डिफरेंस से कर सकते हैं ना। यस ऑब्वियसली, हमको कैसे चमकेगा हर बार एग्जाम में कि हमको एबीसी से डिवाइड करना, यहाँ तो दिखा दिया ना किसी ने, वो भी एक्चुअली तरीका वही अच्छा है, बट वी शुड ऑल्सो ऑलवेज हैव अ सेकंड मेथड ऑन विच वी कैन फॉल बैक। ठीक है, तो कॉपी कर लो आप लोग एक बार इसको, तो मैं पेज जुगाड़ता हूँ लिखने के लिए। हाँ पेज मिल गया। कॉपी कर लिए? हाँ सर एक मिनट। कॉपी कर लो। बोलो कॉपी हो गया? हाँ सर। तो यही क्वेश्चन क्या था बताओ, वापस से मैं कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन सॉल्व। बोलो एबीसी एपी में था ना, और हम लोगों को क्या प्रूव करना था, वन बाई बी सी वन बाई ए सी वन बाई ए बी एपी में। ठीक है, अगर उससे नहीं हुआ तो हम इससे कर देंगे। एबीसी एपी में मतलब क्या मालूम है हमको, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, है ना। दैट इंप्लाइज क्या मालूम है हमको, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ओके फाइन, इसको एपी में प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, वन बाई ए सी माइनस वन बाई बी सी इज इक्वल टू वन बाई ए बी माइनस वन बाई ए सी। यहां तक क्लियर है? तो टू तो उसको माइनस एलसीएम ले लो, कितना बन रहा है बताओ ऊपर में, यहां पर एबीसी आ गया, ऊपर में क्या बन रहा है बोलो, बी माइनस ए, और यहां पर एबीसी का एलसीएम लिए, और यहां पर ए बी सी सी माइनस बी, ये और एक कट गया, तो हो गया ना प्रूफ कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। इसका मतलब ये जो हमने माना है ये ट्रू है ना, दैट इंप्लाइज ये किसमें है, एपी में है। सब लोग को मेथड समझ में आया क्या? यस सर। इफ ए बी सी इन ए पी प्रूव दैट
बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी इन एपी. सिंपल है, दिख रहा है? हेलो. यस सर. हो गया प्रूफ? बहुत सिंपल है, नहीं तो बताओ हो गया प्रूफ? यस सर. अरे कुछ है नहीं है ना इसमें, इसको एपी में प्रूफ करना है. That means क्या होना चाहिए, C plus A minus B minus C should be equal to B plus A minus C minus A. तो यहाँ पर C और C कट गया और यहाँ पे A और A कट गया, तो क्या होना चाहिए, A minus B should be equal to, नहीं 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 कुछ गलती हो गई क्या, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे A और A कटा है ना, तो यहाँ पे ये तो बच गया, तो क्या हो गया, B minus C, जो कि true है ना. अगर A B C AP में है तो obviously A minus B और B minus C बराबर होगा ना यार. समझ में आ गया? हाँ तुमको आ गया, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल शांत बैठ गए हैं. सर जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में वो देख लिया था ना कि वैसे करना है, करेंगे हाँ, वो वैसे भी कर. देख ए बी सी एपी में है ना, तो ए सब में से माइनस कर दे, ए प्लस बी प्लस सी. सेम टर्म माइनस किया तो ये भी एपी में रहेगा बेटा. आपका ए ए कट गया, बी बी कट गया, सी सी कट गया, ठीक है बेटा. क्या बच गया आपका, माइनस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस बी इन एपी, ठीक है. और माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया. क्या हो गया भाई, बिल्कुल शांति छा गई है. क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ऑनलाइन में चेहरे में दिखता नहीं है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है. चलो एक मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करिए, ठीक है. हाँ दिखा. पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म्स of an AP are A, B, C respectively. Prove that Q minus R into A plus R minus P into B प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू जीरो. ये पहला क्वेश्चन है. और क्वेश्चन टू जो है वो है, इफ सम ऑफ ए पी टिल पी टर्म्स इज इक्वल टू sum of same AP till Q terms, then prove that sum of its P plus Q terms sum till its p plus q terms is zero. ये सॉल्व करो. सॉल्व कर सकते हो ना? हेलो. कर रहे हैं सर? कर रहे हैं. करो.
हो गया सर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक ही एपी का है ना? हाँ ये सेम ही एपी है। हो गया दोनों? करूं पहला? हो गया हुआ? यस सर। पहला क्वेश्चन क्या है देखो कि पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ एपी, एक एपी का कैरेक्टरिस्टिक हमेशा फर्स्ट टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है? तो ए क्या होगा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। बी क्या होगा? ए प्लस माइनस वन इंटू डी। हमेशा ऐसे ही करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। क्या प्रूफ करना है? क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। फाइन, सो यू हैव टू ऑप्शंस, इधर यू कैन टेक ए फ्रॉम हियर और इसमें डाल दो, या ट्राई टू क्रिएट क्यू माइनस आर। How do you create Q minus R? Subtract करके। Subtract कर दो। First option clear है सबको? Method one? Method one क्या है? मैं आप लोगों को as a homework छोड़ दूंगा, replace A B C करना। Method two क्या है? आप सीधा Q minus R बनाओ ना। Q minus R कैसे बनेगा बोलो? दोनों equation को minus कर दिया, तो क्या आ जाएगा? B minus C by D।
ऐसे ही p माइनस क्यू कैसे बनेगा, p माइनस क्यू कैसे बनेगा, a और माइनस a और b को माइनस करके, ठीक है, और r माइनस p कैसे बनेगा, c माइनस a बाई डी, ये चमक रहा है क्या, अब इसको इसमें रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो b माइनस c बाई डी इंटू ए प्लस c माइनस a इंटू बी बाई डी प्लस a माइनस बी इंटू सी बाई डी, तो 1 बाई डी बाहर आ गया, बी ए माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, क्वेश्चन नंबर टू क्या था, एक एपी है तो एपी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, एस ऑफ पी टर्म क्या होगा बोलो, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, एस क्यू कितना होगा, क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, नाइस, and what do we require, हम लोग को sp plus q निकालना, sp plus q कितना होगा, p plus q by 2 into 2a minus p plus q minus 1, यही है ना, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, ये दोनों दिया हुआ है, क्या इन दोनों से अपन कुछ खेल सकते हैं, दोनों का वैल्यू बराबर दिया हुआ है ना, इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, p by 2 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इतना क्लियर है, टू और टू तो कट गया तो क्या आ रहा है बताओ, टू ए पी माइनस क्यू प्लस पी पी माइनस वन माइनस क्यू क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, इतना क्लियर है, अब ध्यान देना 2a p माइनस क्यू, अब बिल्कुल ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या लिखा है, p माइनस q इंटू p प्लस q, और यहाँ है माइनस p और यहाँ है प्लस q, तो माइनस p माइनस q इंटू d इक्वल टू जीरो, ये चमकता है, मैंने p माइनस q बाहर ले लिया, क्या लिखा है 2a प्लस p प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, ये बात चमकती है, अभी कोई ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था कि p इज नॉट इक्वल टू q, तो अगर p इज नॉट इक्वल टू q तो जीरो कौन होगा, p प्लस q टर्म का, ये जीरो हो गया ना, और अगर ये जीरो हो गया, इसको ये पुट कर देंगे तो क्या प्रूव हो गया हमारा, एस पी प्लस क्यू इज जीरो, नाउ सी द सॉल्यूशन एंड आस्क इफ डाउट यू हैव, हो गया कि बिल्कुल शांति छा गई क्लास में यार, समझा, सब लोगों को क्लियर है क्या, यस सर, ठीक है, तो इतना ही करेंगे अभी, कल के लिए जो होमवर्क दे रहा हूं आपको वो तो 4a था ही होमवर्क, और 4b में से लिख लो आप 1 से 24, इससे पहले आपने क्या बोला था, 4b में से 1 से 24 और ट्रिग्नोमेट्री का वो 5 क्वेश्चन, क्लियर है क्या, होमवर्क क्या है, अरे हेलो भाई सबको क्लियर है, हाँ सर, टेस्ट में एपी तक आ रहा है ना,
टेस्ट में क्या अंतर पड़ता है, कुछ भी है, हाउ डज इट मैटर, है कि नहीं? कोई मैटर नहीं करता टेस्ट, टेस्ट कंसेप्ट मैटर करता है, टेस्ट तो हमेशा होते रहता है, ठीक है। आप लोगों को सॉल्यूशन क्लियर है नहीं वाला अच्छे से? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं नोट शेयर करता हूँ आपसे हाफ एन आवर में, ठीक है, और वीडियो भी शेयर होता ही हो तो। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। बाय सर। बाय बाय।